नमस्कार, मैं सुनील भारत, सचिव माधव विजन इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल, आज आपके साथ जन सरोकार मंच टॉप पर आया हूँ। टोडा राइसिंग एक ऐसी भूमि जिसके बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला शहर, मैं कुछ सुने कुछ बताएं विद सुनील भारत। हम टोडा राइसिंग के बारे में क्या जानते हैं? टोडा राइसिंग गौरवमयी ऐतिहासिक धरोहर। टोडा राइसिंग के महत्व के बारे में दो लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। टोडा शहर पुरानी बस्ती, नौ हाथ का छाजा, जान देखण खातर आवे कई फिरंगी राजा। इसका अर्थ ये है कि टोडा राइसिंग ऐसी पुरानी बस्ती है जिसके महलों में नौ हाथ के छज्जे हैं और उसको देखने के लिए विदेशों से कई पर्यटक यहाँ आते रहे हैं और आते रहते हैं। अगर टोडा राइसिंग की ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, टोडा राइसिंग अपनी ऐतिहासिक महत्व को पूरे संसार के सामने परिलक्षित कर सकता है। टोडा राइसिंग टोंक जिले का एक प्राचीनतम नगर है जिसकी सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास दोनों ही अद्भुत है। ऐतिहासिक पुरा धरोहर को अपने में समेटे इसका गौरव गान आज भी मंदिरों की भव्यता, कुंड बावड़ियों और इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने यात्रा वृतांत में यह जानकारी दी है। उसके यात्रा वृतांत से ये पता चलता है कि प्राचीन काल में पांडव वंशीय राजा परीक्षित का तक्षकों से युद्ध हुआ तो तक्षक जाति को पराजय का सामना करना पड़ा और वह भागकर यहां आए और तक्षकपुरी को अपनी राजधानी बनाया। तक्षक जाति के राजाओं ने यहां छठी शताब्दी तक राज किया। तक्षक राजाओं के बाद परमार राजा धारानृप्ति ने अपनी पुत्री राजमती के विवाह में अजमेर के शासक बीसलदेव को यह क्षेत्र दहेज में दे दिया था। मीर जाति मौर्यों की उपजाति के शासक खेमराज चौहान ने इस क्षेत्र का नाम गढ़ चौटाला रखा। गढ़ चौटाला हमारे जो ये अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है उसके ऊपर बसा हुआ है। तब से ये प्रदेश कांठल प्रदेश तथा राजधानी लाडपुरा कहलाई। टोडा राइसिंग जो है इसको कांठल प्रदेश में भी माना गया है और इसकी राजधानी लाडपुरा कहलाई। 13वीं शताब्दी में अंतिम सोलंकी शासक ने लाडपुरा के शासक सातोजी पातोजी गोयलवाल को युद्ध में परास्त कर अपने आधिपत्य में लेकर इसका नाम तक्षकपुर से तोड़ा रखा था। इस तरह से टोडा राइसिंग पे कई जातियों का राज रहा और यहाँ के राजा महाराजा अति बलशाली रहे। उसी के अपन अब इसकी पृष्ठभूमि में चल रहे हैं। यहाँ के राज वंशों के लिए विक्रम संवत 1303 में यह क्षेत्र सोलंकी राजाओं की राजधानी बना। लल्लू खा पठान जो एक प्रसिद्ध लुटेरा था उसने भी दिल्ली की मदद से टोडा राइसिंग को खूब लूटा। तब तक ये टोडा राइसिंग नहीं था, फिर इसको तोड़ा, क्योंकि खूब तोड़ा इसलिए तोड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ और उसने सोलंकी वंश को समाप्त किया। इसका हम आगे उल्लेख करेंगे कि सोलंकी वंश की जो कुलदेवी है वराई माता वो टोडा राइसिंग में ही है, जहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की पितृवंश है जो उनके मायके की है, वो सोलंकी वंशजों से कहलाती है। तो उनकी मायके की कुलदेवी यहाँ है। एक बार उनके भाई यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ जब राज्यपाल थी तब यहाँ पर कुछ काम भी शुरू किया था। टोडा राइसिंग का हम देखें तो मेवाड़ से भी संबंध है।
वो संबंध है मेवाड़ के राणा कुंभा के पौत्र राजकुमार पृथ्वीराज ने लल्लू खां पठान को मारकर पुनः टोड़ा प्राप्त किया था। तो वो बात है कि यहाँ पर मेवाड़ वंशजों से हैं और हम कई वंशजों से रहे। टोडा ऐसी एक ऐसी रियासत रही है, ऐसा राज रहा है जिसका प्रमुख वंशों से कहीं कहीं कभी कभी नाता रहा है। हालांकि स्वतंत्र रियासत के रूप में ये नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। विक्रम संवत 1652 में शहंशाह अकबर ने टोडा पर विजय प्राप्त करके इसकी बागडोर राजा जगन्नाथ कछवाहा को संभला दी। इस तरह से सोलंकियों का वंश का समाप्त हो गया। फिर क्या हुआ, कछवाहा वंश का यहाँ पर राजा है। जगन्नाथ कछवाहा के युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर अकबर ने रणथंभौर का गढ़ भेंट में दे दिया। इस तरह से रणथंभौर से भी टोडा रायसिंह की रिश्तेदारी रही है, परंतु राजा जगन्नाथ ने अपनी राजधानी टोडा को ही रखा। ये पुरानी कई किताबें हैं, कई चीजें हैं, उनका धीरे धीरे छोटे बड़े संकलनों को करके शोध करके इस तरह का इसका टोडा रायसिंह का इतिहास बनाया गया, जो अपने आप में गौरवमय इतिहास है। महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के पुत्र भीम सिंह देखिए एवं शाहजहां खुर्रम के मध्य विक्रम संवत 1671 ईस्वी में एक संधि हुई जिसमें टोडा भीम सिंह को मिला। इस बारे में ऐसी कहानी है कि अगर टोडा राय सिंह नहीं होता तो आज ताजमहल भी नहीं होता, क्योंकि महाराणा जो ये भीम सिंह थे इनका बहुत याराना था, इनकी बहुत दोस्ती थी शाहजहां को। जब उनके साथ ही जब प्रतिकूल परिस्थिति थी उन्होंने यहाँ पर उनकी पनाह दी थी, वो यहाँ पर आकर रहे थे, तो उस समय बचे। तभी अगर अपन देखें तो टोडा राय सिंह अगर नहीं होता तो आज ताजमहल नहीं होता। ऐसे भी एक स्मारिका में एक कहानी है। भीम सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राय सिंह ने टोडा की गद्दी संभाली। अब ये जो टोडा था वो अब हो गया टोडा राय सिंह। राय सिंह के नाम से ही फिर राय सिंह जोड़ दिया गया और इसका फिर पूरा नाम मिला टोडा राय सिंह। इस तरह से हम देखें कि इसका क्या का नाम था, तक्षकपुर, गढ़चौटाला, लाडपुरा, टोडा, फिर हुआ टोडा राय सिंह, जो आज प्रचलित नाम है टोडा राय सिंह। भीम सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राय सिंह ने टोडा की गद्दी संभाली और लगभग 60 वर्षों तक शासन किया। उसी के नाम पर टोडा का नाम टोडा राय सिंह हुआ। टोडा राय सिंह के स्मारक यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में गौरवमय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। टोडा राय सिंह में बहुत सारे स्मारक हैं। यहाँ की जो प्रमुख बातें हैं, यहाँ पे 7 दरवाजे हैं, बूढ़ा पोल, छतरी पोल, केरली दरवाजा, चारों तरफ से है। टोडा राय सिंह राजाओं के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ में शासन किया। हम देखेंगे कि यहाँ की जो महल है, अब यहाँ का महल है, अभी पहले उसमें स्कूल चला करती थी, लेकिन अब उसको नगरपालिका प्रशासन को दे दिया गया है और अब उस पर काफ़ी काम हो रहा है। और टोडा राय सिंह के महल हैं, लेकिन अब जरूर अवस्था में है। तो अब इसके ऊपर अगर हम बात करें, इसके थोड़ा सा विकास की बात करें, तो अब करें अब उसकी जो संरचना है हम उस पर चलते हैं। टोडा राय सिंह के महल और स्मारक। मुख्य महल, क्योंकि टोडा राय सिंह कई राजवंशों की राजधानी रहा है, इसलिए यहाँ पर राजसी गृहों का होना भी आवश्यक है। टोडा के महल, अभी बता रहा हूँ, आप लोग देखेंगे टोडा राय सिंह के महलों के बारे में, तो टोडा राय सिंह के जो महल है ये कश्मीर के शालीमार व निषाद बाग से मिलते हैं। उसके ही तर्ज पर, उसके ही ढंग पर बनाए गए हैं, जिसमें यहाँ के महलों गुंबदों के नीचे नौनौ हाथ के छज्जे आज भी दर्शकों को आश्चर्य में डालते हैं। मैंने शुरू में बात की थी
कि टोड़ा राइसिंग में नौ हाथ के छज्जे हैं। नौ हाथ के छज्जे कहीं भी नहीं है, जहां तक हम देखते हैं नौ हाथ के छज्जे नहीं। और उन छज्जों की विशेषता है कि वो जितना बाहर निकले हुए हैं उसकी छत भी उन्हीं पट्टियों से बनी हुई है। तो इस तरह से इतनी लंबी पट्टियां, टोड़ा राइसिंग चार चीजों के लिए प्रसिद्ध है, गट्टी पट्टी डावड़ी बावड़ी, जिनमें से एक पट्टी का वहां पर बहुत शानदार प्रदर्शन हो रखा है नौहाथ के छज्जों में। पहाड़ की डी की तलहटी में, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला श्रृंखला में है, तो क्योंकि पुराने जो दुर्गुआ करते थे पुरानी जो चीजें होती थी वो हर तरह, क्या एक तरफ पानी में होते थे, जल दुर्ग कहलाते थे, कुछ पर्वतों पे होते थे, कुछ रेगिस्तान में होते थे, सब तरह के दुर्ग थे। तो टोड़ा राइसिंग ऐसी भौगोलिक संरचना है कि यहाँ पर सभी तरह के सभी भूमि के भौगोलिक परिस्थितियाँ निर्मित हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक तरफ पर्वतमाला श्रृंखला है, उसके जस्ट नीचे झीलें हैं, और उसके वहीं पर तलहटी पर टोड़ा राइसिंग का महल है, विशाल महल है, जिसका निर्माण तत्कालीन महाराजा भीम सिंह ने करवाया था। जो भीम सिंह कौन थे, भीम सिंह जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया, वो महाराणा प्रताप के पौत्र अमर सिंह के पुत्र थे। स्थापत्य कला की दृष्टि से अब इसकी कुछ विशेषता हैं, जिन विशेषताओं पर अपन बात करें। प्रथम विशेषता यह है कि महल की अत्यधिक ऊंचाई एवं आर्चनुमा गुंबद की छतों का होना, वहां जो छतें हैं वो आर्चनुमा छतें हैं और बहुत ऊंचाई पर है, दो मंजिल तो नीचे ही है। टोड़ा राइसिंग के महल हम देखें तो बहुत सुंदर, बहुत दूर से दिखाई देते हैं और उनकी दो मंजिलें तो नीचे ही, इतनी अधिक ऊंचाई पर वो है। इस महल में लगभग 60x40 का विशाल हॉल है, जिनके छतों में न सरिये हैं, न गार्डर है, न पट्टियां हैं, सिर्फ छोटे छोटे पत्थर और चूने से गोलानुमा आर्क के सिद्धांत पर आधारित छत बनाई गई है। इतनी बड़े विशाल में 60x40 के होल, कहीं भी गार्डर नहीं, एंटर नहीं है, और वो दूसरे इस महल है। टोड़ा राइसिंग के आसपास का न होकर उस समय जोधपुर से महल लाए, महल के लिए पत्थर लाया गया था, जबकि इस समय यातायात के साधन इतने सुलभ नहीं थे जितने की आज। आज तो बहुत सारे साधन हैं जिनको मार्फत हम यहाँ पर आ जाते हैं, पर उस समय साधन नहीं थे। अब जोधपुर से अगर कोई आते हैं पत्थर, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। और तीसरी विशेषता में चकित कर देती है कि महल के ऊपरी भाग में 10-15 फीट लंबे बाहर निकलते हुए छज्जे, जो कि सिर्फ यहीं पर दिखाई देते हैं, पानी के निकास की भी सुंदर व्यवस्था इस महल में देखने को मिलती है। ये व्यक्तिगत मैंने देखा हुआ है, उस पर जो पानी की निकास की व्यवस्था है वो बहुत ही अप्रतिम है। ऊपर इस महल के नीचे ही एक और छोटा महल है जिसे हम जल महल कहते हैं। जल महल के पास एक बड़ी झील है जिसे खारोड़ाव के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। इसके मध्य में खुशहाल बाग के नाम से एक उद्यान भी है। इस बाग में यहाँ के राजा रानी नौका विहार के लिए आते थे और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते थे। इस झील के दक्षिण में एक और गहरी झील है जिसे बुद्ध सागर कहते हैं, जो बहुत गहरा है, उसका पानी कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं स्थानीय शिक्षाविद 85 वर्षीय श्री तुलसीदास शर्मा बताते हैं
कि विक्रम संवत 1956 के भयंकर अकाल में भी इस सागर का पानी खत्म नहीं हुआ था। वहाँ पर उस भूतसागर में एक बीच में शिव मंदिर है, शिव मंदिर कभी खाली नहीं हुआ, बहुत भयंकर अकाल हुए तब भी वो पानी की जो मात्रा है उसका कभी खाली नहीं हुआ। उसी के पास में एक शिव मंदिर है जिसका पूजन अर्चन स्वयं भूतसागर का पानी वहां तक चला जाता है और उसका जलाभिषेक करता है, तब माना जाता है कि यहाँ पे पानी की इस बार बारिश अच्छी हुई है। महल के संगमरमरी शिलाखंडों पर सुंदर और आकर्षक चित्रकला मनमोहित करती थी। ही नहीं, झरोखों का निर्माण, बिना पट्टियों की दाब की छतें, नौहद लंबे छज्जे, दीवारों पर कोड़ियों से किया गया आरायश, दीवारों के भित्ति चित्र जो अब असामाजिक तत्वों द्वारा मिटा दिए गए हैं, दरबार स्थल, बारह दरी, हौज, फुमवारे, झरने आदि आज भी राजाओं की कलाप्रियता को प्रकट करते हैं। बारह दरी उन दिनों दीवाने खास कहलाती थी। इसके बीच में जो बहुत ही है, अभी मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस बात को आपसे शेयर कर रहा हूं तो मेरे सामने वो पूरा चित्र आंखों के सामने आ रहा है और मैं आपको आमंत्रित करता हूं टोडा राइसिंग आने के लिए। टोडा राइसिंग के महल और संगमरमर की दीवारें, छतरी, इनको देखने के लिए आइए, आमंत्रित करता हूं मैं टोडा राइसिंग में। इसके बीच में संगमरमर की छतरी है जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ है। मुख्य महल के दो दरवाजे हैं, एक सूरज पोल, दूसरा ध्रुव पोल। सैकड़ों वर्ष पुराने यह महल अपनी दृढ़ता और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। महलों की सुरक्षा एक ओर पर्वतमाला द्वारा और दूसरी ओर जल से लबालब झीलों से होती है। अब हम चलते हैं जिसके लिए टोडा राइसिंग को जाना पहचाना जाने लगा है कि टोडा राइसिंग कुंड बावड़ियों की नगरी है। टोडा राइसिंग में कुंड बावड़ियां इतनी है, कहते हैं यहाँ पे 400 के लगभग कुंड बावड़ियां थी और 400 के लगभग कुंड बावड़ियां होने से प्रत्येक दिन अगर एक बावड़ी में जाए तब भी उसका नंबर 365 दिन बाद आना है। लेकिन टोडा राइसिंग की जो भौगोलिक संरचना के हिसाब से सब कामों के लिए अलग अलग बावड़ियों का निर्माण, कुछ बावड़ियां सिर्फ पीने के पानी के लिए काम में आती है, कुछ बावड़ियां नहाने धोने के काम में आती है, कुछ बावड़ियां जानवरों के नहलाने धुलाने के काम में आती है। तो अब हम एक बात करेंगे यहाँ के जो बहुत प्रसिद्ध है, हाडी रानी का कुंड। इसके पीछे भी एक कहानी है, हाडी रानी का कुंड, क्योंकि पूर्व में महिलाओं को वंशों को के नाम से जाना जाता था, कौन सी रानी किस वंश से आई है उसी के वंश के हिसाब से उसको जाना जाता था। तो जब धीरे धीरे बात हुई फिर पता चला, अब टोडा राइसिंग की जो हाडी रानी कुंड है, ये हाडा रानी बूंदी में राज करता था, बूंदी में राज करता था और वहाँ की रानी को यहाँ के राजा ब्याकर लाए थे, उसके नाम से है ये। टोडा राइसिंग नगर के ऐतिहासिक धरोहरों का साक्षी हाडी रानी का कुंड अपनी निर्माण कला के लिए आज भी संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है। विक्रम संवत 1398 में टोडा के शासक ने बूंदी के मीणों को हरा कर देवाहाडा की पुत्री से विवाह किया था। वहां पर जेता मीणा ने राज कर लिया था और वो उससे शादी करना चाहता था, तो राव रूपाल जो यहाँ के शासक थे उन्होंने उसको हराया और इसीलिए कहते हैं कि बूंदी के लिए कहावत है कि बूंदी तो हाडा की लेकिन दी टोडा ने, टोडा वालों ने जेता मीणा से को हरा कर
ये वापस गिफ्ट की थी। इसी संवत में जब उनका विवाह हुआ, इसी संवत में रानी ने अपने नाम से विशाल कुंड का निर्माण करवाया था। ये कुंड करीब 2 बीघा क्षेत्रफल में निर्मित है। इस कुंड की जो ज्यामिति संरचना है, इस कुंड का हम जो देखें, बेजोड़ कारीगरी, इतनी अप्रतिम, इतनी शानदार कि लगता ही नहीं यहाँ पर बैठ गए देखें तो देखते ही रहें। इतनी शानदार कारीगरी, विशाल शिला खंडों को कलात्मक ढंग से जमवा कर निर्माण कराया गया है, जो आज भी दर्शकों और पर्यटकों के लिए आश्चर्यचकित तथा भाव विभोर कर देता है। टोडा रायसिंह नगर में असंख्य बावड़ियाँ और मंदिर हैं जो रानी ने अपनी स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए निर्मित करवाई थी। इस कुंड में अनूठे ढंग से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। उसकी एक खास बात है, वो ये है कि इस भूलभुलैया में कोई भी व्यक्ति जिस सीढ़ी से नीचे उतरता है उनसे वापस नहीं चढ़ पाता। जो कुंड की खास बात है वो ये है कि इसमें जो जिस सीढ़ी से नीचे उतरता है वो उससे वापस नहीं आ पाता है। इसका पीछे कारण था, उसके पीछे ये कारण, हम देखें कोई भी व्यक्ति बुरे मन से कुंड के पानी को खराब करने के लिए अगर उतरता है तो वह उस कुंड की 2 मंजिल के निर्मित दीवारों में 7-7 मेहराबदार दरवाजे हैं तथा करीब 2-2 मीटर लंबे छज्जे हैं। दीवारों के नीचे कुंड में झांकती गणेश प्रतिमा है। ये टोडा रायसिंह की कुंड बावड़ियों में सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर आपको प्रत्येक कुंड में, बावड़ी में आपको गणेश जी की प्रतिमा जरूर मिलेगी, मेहराबदार दरवाजे मिलेंगे, उसके साथ ही उनकी जो सीढ़ियाँ हैं वो टोडा रायसिंह के पत्थरों को ही काट कर बनाई गई है। टोडा रायसिंह के पत्थर जो हैं वो अभ्रक युक्त पत्थर हैं। हाडी रानी का कुंड अपनी कला के लिए अद्वितीय है, साथ ही अपनी मजबूती के लिए बेजोड़, मतलब कलात्मकता और मजबूती का बहुत ही अप्रतिम उदाहरण के रूप में बेजोड़ समन्वय, जिसको कह सकते हैं ज्यामिति सरोकारों को भी साथ में रखता है। उसके साथ ही पानी की महत्ता को टोडा रायसिंह बताता है। पानी की महत्ता को बताने के लिए ही ये सब जो दरवाजे हैं वो सब कुछ बताते हैं। स्थानीय शिक्षाविद तुलसीदास शर्मा के अनुसार इस कुंड का निर्माण हाडी रानी की कंचुकी, जो महिलाएं, राजसी महिलाएं कांचली वस्त्र पहना करती थी, उसके आधे भाग में जड़ित हीरे पन्ने से ही निर्मित है ये। तो यहाँ के जो वंशज थे वो कितने अमीर थे, कितने राजसी वैभव वाले थे, इतने मूल्यवान हीरे पन्ने पहनते थे कि उनकी कांचली के आधे भाग से ही उसका निर्माण हुआ है। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आने के बाद अब कुछ विकसित और संरक्षित अवस्था में है। और एक और जानकारी इसी के साथ में देना चाहूँगा, ओस्कर अवार्ड के लिए जो एक फिल्म नामांकित हुई थी पहेली, शाहरुख खान रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म थी वो पहेली, जिसमें अमिताभ जी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत महत्वपूर्ण रोल था, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई है टोडा रायसिंह के आटी रानी के कुंड पर। अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित ये फिल्म है। अगर आपको मौका मिले तो वो जब बावड़ी में पधारते हैं, वो कहते हैं कि मेरे दादाजी ने बनाई है, वो कुंड टोडा रायसिंह का ही कुंड है। इस प्रकार टोडा रायसिंह की ऐतिहासिक धरोहर का अध्ययन अवलोकन करने पर अगर हम देखें तो ये स्पष्ट होता है कि यहाँ का इतिहास स्थापत्य कला में ही बेजोड़ नहीं है, अपितु तो शौर्य और त्याग की अनुपम कहानी है। अब इस पे एक और बात आती है यार, कि हमने देखा कि टोडा रायसिंह 6 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, घट्टी, पट्टी, डावड़ी, बावड़ी, काला और बाड़ा। 2 चीज़ें और हैं, रेजा
और हेना। अब हम शुरू करते हैं गट्टी। गट्टी कौन सी? पहले आटे पीसने वाली जो चक्कियां घर में हुआ करती थी उसको गट्टी के नाम से जानते हैं। और टोडा रायसिंह की बहुत शानदार कला है गट्टी बनाने की, क्योंकि यहाँ का जो पत्थर है वो पत्थर इस तरह का है, अभ्रक युक्त पत्थर है और वो बहुत मजबूत भी है और बहुत कोमल भी है, उससे आटा पीसने के लिए ये काम में लिया जाता था। पट्टियों की मैंने आपको जानकारी दी, पट्टियों की छतें जब हुआ करती थी, आज तो RCC हो गई, पहले जब पट्टियों की छतें हुआ करती थी तब उसमें लगता था वो वातानुकूलित कर देती थी, क्योंकि अभ्रक वातावरण की जो गर्मी है उसको ऊपर ही रख दिया करता था। डाउड़ी लड़कियां सुंदर तो थी, उसके साथ में यहाँ की वीर भी बहुत थी। दो तीन चार नाम मेरे दिमाग में हैं, एक रानी तारामती थी, वीरमती थी, चंद्रोबा है, इनकी सबकी अलग अलग कहानियां हैं। कभी हम बैठेंगे टोडा रायसिंह की सिर्फ कहानी वीर बालाओं के लिए, तब हम इस बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे। और फिर आती है गट्टी पट्टी डावड़ी बावड़ी। बावड़ी के बारे में बताया, एक मैंने बताया था ना कि जगन्नाथ कछवाहा को राज दे दिया, तो यहाँ पर जगन्नाथ कछवाहा ने भी एक बावड़ी बनाई। जगन्नाथ कछवाहा के जो एक सिपहशालार थे वो थे भोपत, तो उन भोपत ने क्या किया कि जगन्नाथ बावड़ी के निर्माण के साथ साथ उन्होंने अपने नाम से भी एक बावड़ी का निर्माण कराया, जिसे भोपत बावड़ी के नाम से कहते हैं। जब राजा जगन्नाथ ने देखा कि यार इस मेरे सिपहशालार की बावड़ी मुझसे बढ़िया है, तो उन्होंने क्या किया उसमें चमड़ा धुलवा दिया। अब जब उसमें चमड़ा धुलवा दिया तो उस बावड़ी का पानी सिर्फ नहाने धोने और पशुओं के लिए काम में लिया जाता है। और हाडी वो जो बावड़ी है जगन्नाथ बावड़ी, वो अभी के उपखंड कार्यालय के पीछे निर्मित है। उसी के आगे चलें, साड़ा बावड़ी यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध नाम है, और चक्रा बावड़ी है वो भी यहाँ पर है, जहाँ पर यहाँ के गणेश जी हैं। हम अगर मंदिरों की बात करें तो एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर गाबरौन के राजा पीपा जी, उनकी गुफा साधना स्थली यहीं पर है, क्योंकि उनका जो ससुराल था वो टोडा रायसिंह था, वो सोलंकी वंशज की रानी थी, तो वो यहाँ पर आए थे जब इधर से जा रहे थे तब हुआ। और जो कहते हैं जो नामाचीपा की पुस्तकों में भी उद्धृत है कि टोडा रायसिंह में उन्होंने यहाँ से ही साधना के लिए प्रस्थान किया था और यहाँ पर काफी समय तक वो रुके थे। यहाँ पर टोडा रायसिंह में अभी पास में ही वहाँ पे श्याम देवरा मंदिर है, श्याम देवरा मंदिर में वो यहाँ पर रुके थे और यहाँ पर ही वो पूजा पाठ करते थे। उसको पिछले टाइम में द्वारकाधीश जी का मंदिर कहते थे, द्वारकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता था, तो वो यहाँ पूजा करते और वहाँ के दर्शन किया करते। इस बारे में भी एक वृतांत है, बताते हैं कहानी है कि एक बार पर्दा जल गया, वो नियमानुसार आते थे, तो एक बार वो आए तो उनके हाथ काले थे, काले हो रखे तो आरती के समय की बात है, तो यार ये आपके महाराज श्री, ये आपके हाथ काले कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई द्वारकाधीश, द्वारका के मंदिर में पर्दा जल गया था, उसको बुझाने आऊँ। यहाँ के तत्कालीन राजा ने सोचा कि यार तुम तो यहाँ हो और वहाँ का पर्दा कैसे बुझाने गए, तो उन्होंने उस समय इसको नोट कर लिया और अपने घुड़सवार को भेजा द्वारकाधीश। द्वारकाधीश भेज कर उस घुड़सवार से उस घटना की सत्यता की जांच कराई कि क्या ये घटना उस समय घटी थी और इसको बुझाने वाले कौन थे। उनका हुलिया था, तो वहाँ के जो चश्मदीद थे उन्होंने उस व्यक्ति का हुलिया बताया। उस हुलिया को बताया तो लगा कि बिल्कुल सत्य बात थी कि संत पीपा जी ने द्वारका पर्दा उस दिन बुझाया था, मतलब उनकी जो साधना स्थली थी वो टोडा रायसिंह रहा। यहाँ के जो हिना मेहंदी के पौधे भी बहुत थे, वो भी चर्चित रहे हैं और बहुत बढ़िया रहे हैं। अब
टोडा रेसिंग के बारे में बात हुई, यहाँ की वीरांगनाएं वीरमती चंद्रोबा ताराबाई का जीवन त्याग और बलिदान के इतिहास का सुनहरा पृष्ठ रहा है। राजस्थान के इतिहासकार कर्नल टोड ने अपने ग्रंथ राजस्थान का इतिहास में इन वीरांगनाओं को प्रातः स्मरणीय कहा है। अब आप लोगों को यहाँ की कुछ हस्तियों के बारे में भी संक्षेप में बता दूंगा, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में टोडा राय सिंह के प्रातः स्मरणीय रहे हैं। पुरी के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ की जन्मस्थली टोडा राय सिंह रहा है। उनके जो पूर्वज थे वो टोडा राय सिंह के ही हैं। जैन संत श्री सन्मति सागर महाराज वो भी टोडा राय सिंह के ही हैं। और एक बहुत सम्मानित नाम है पुरुषोत्तम जी चतुर्वेदी, जिनका राष्ट्रपति से भी सम्मानित है। उसी के साथ दीपचंद जी सारस्वत, श्री जगन्नाथ दिव्य दी की भी पुण्य जन्मस्थली टोडा राय सिंह रहा है। टोडा राय सिंह के इतिहास और आध्यात्मिक तथ्यों पर हम स्वतंत्र रूप से शोध कर सकते हैं। मैं सभी शोधार्थियों, कई बार मेरे पास फोन आते हैं जो हुआ है, टोंक से भी आते हैं और कईयों को मैंने बताया है न्यूज चैनल में, इनमें भी स्टोरी में आए हैं, उनको बताया अगर टोडा राय सिंह एक ऐतिहासिक स्थल है और इस पर व्यक्तिगत टोडा राय सिंह पर भी शोध हो सकता है। कई इन लेखों ने बॉडियों पर शोध किया है, कई शोध वेताओं ने, उनको भी हम जितना हो सकता है हम प्रयास करते हैं और किया है। टोडा राय सिंह एक विशिष्ट दर्शनीय और पर्यटन केंद्र की सभी शर्तों को पूरा करता है। आज मैं जनसरोकार मंच के इस फेसबुक लाइव पेज पर जो भी हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि टोडा राय सिंह की और ज़्यादा छवि उभरे और ज़्यादा हो तो ये पर्यटन के मानचित्र पे आए। आवश्यकता है तो बस शासकीय संरक्षण की। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये अद्वितीय नगर टोडा राय सिंह ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशियों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है। हम टोडा राय सिंह जो है, टोडा राय सिंह के लिए हम देख रहे हैं। अब अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हो, कुछ बात हो, कुछ ऐसी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बता सकते हैं, तो मैं इस बारे में पण बात कर लें। जनसरोकार मंच का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे टोडा राय सिंह के बारे में आप लोगों को बताने का मंच प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी सक्सेना साहब, देवेंद्र जी जोशी साहब और हमारे जो साहित्य मंच है टोडा राय सिंह का, उसके संरक्षक श्री शिवराज जी गुरु जी और उसी के साथ में जो मेरे मित्र हैं, मेरे से यात्री हैं टोडा राय सिंह के बारे में, आशीष जी विजयवर्गीय, और आज आप लोगों के सामने जो ये प्रकट कर रहे हैं, आपके सामने जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है, मेरा बेटा अर्णव सुनील गौतम जो कैमरामैन की भूमिका निभा रहा है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जो मुझे उत्साह प्रदान किया और मंच प्रदान किया, मैं उसके लिए हूँ। और अगर कभी भी आपको टोडा राय सिंह के बारे में कोई जानकारी या कोई किसी तरह की कोई बात हो तो आप लोग निश्चित रूप से बता सकते हैं। सुनील भारत, माधव विजन इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल, टोडा राय सिंह, मोबाइल नंबर 99299 99211, 9929999211। धन्यवाद।